हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये दो इफेक्टें बनाना सिखाऊंगा। एक तो ये ड्रॉप जोन जो आपने FCP में देखा था वही ड्रॉप जोन है, ये बनाना सिखाऊंगा। और दूसरा जो है ये आपको ये मोशन बनाना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट आपको ये मोशन करना सिखाऊंगा, दूसरा ये आप ड्रॉप जोन जो है ये बनाना सिखाऊंगा। इसमें जो है किसी के भी वीडियो ला करके छोड़ के आप रिप्लेस कर सकते हो। ड्रॉप जोन उनको बोला जाता है जिनमें कि आप एक टेम्पलेट को हजारों दफ़े आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आगे आने वाले टाइम पे आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये कैसे हमने अभी क्रिएट किया है और ये सेम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो का पूरा देख लेना सही से दोस्तों, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिर आप मैसेज करोगे कि भैया ये क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा सीक्वेंस एक ये है, ठीक है जी। और एक और सीक्वेंस, मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, यहाँ से न्यू सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ से ड्रॉप जोन। ठीक है जी, और ये वाला सीक्वेंस जो है इसका नाम मैं यहाँ से अपना रख लेता हूँ फाइनल। फाइनल टेम्पलेट, ये मेरे पास दो सीक्वेंस हो गया। अब ये ड्रॉप जोन पे मैं क्या करता हूँ, बिन में चलता हूँ, थंबनेल व्यू करता हूँ, और थंबनेल व्यू में जा करके जो मेरे को वीडियो पसंद होगा, ये वीडियो मुझे पसंद है, ये वीडियो ला करके मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना के छोड़ दिया ड्रॉप जोन में। बस वहाँ वीडियो डाल लिया क्या है अपने को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ सीक्वेंस में देखेंगे तो ये है ड्रॉप जोन पे काला वीडियो। ठीक है जी, तो ये हम क्या करेंगे, ये लाएंगे पकड़ के अपने टाइम लाइन पर छोड़ लेंगे। अभी हमसे क्या गलती हुई है आप देख सकते हो, ये वाला जो है इंसर्ट एंड ओवर राइट, इसको एक सीक्वेंस को इसको हमने बंद कर रखा है, इसको हमें इसको चालू करके रखना है। अब यहाँ से डिलीट करेंगे, अब लाएंगे तो ये पूरा ग्रीन आएगा। अब मैं क्या करूँगा, फिर से बिन में जाऊँगा, ये मेरी ग्राफिक है, ये ग्राफिक यहाँ पर लगाऊँगा, ज़्यादा बनाने में छोटा बनाना हो। इसको आप प्रोजेक्ट के रूप में भी ले सकते हो, और जो है नॉर्मली भी आप इसको किसी भी चीज़ के लिए आप यूज में ले सकते हो इसको। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप जोन बना लिया एक, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, ये हमारा ड्रॉप जोन हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा 3D, ये आ गया 3D, हमने इस पर अप्लाई कर दिया। इफेक्ट कंट्रोलर में चलते हैं, ये 3D पे चलेंगे, थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेंगे, और ये टिंट जो है आप इसको इस टाइप से भी इफेक्ट दे सकते हो की फ्रेमिंग बना के, इसको टिंट का नहीं छेड़ेंगे। ये जो है स्वैपल, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, और यहाँ से जाएंगे और इसका पोजीशन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। इसी का कॉपी करेंगे, ये सीक्वेंस है इसको कॉपी करेंगे, ऊपर छोड़ देंगे। अब इस वाले को जो है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और कंट्रोल जेड करेंगे, थोड़ा सा ही इसको मेरे ख्याल से 66 डालते हैं। ठीक है, मतलब जरा सा छोटा हुआ है, जरा सा ही। अब हम क्या करेंगे, वीडियो इफेक्ट में चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे कलर ग्रेडिंग पे चलेंगे। अब यहाँ से कलर पे गए तो कलर लिमिटरी नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया था। तो इस वाले पे विंडोज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा कलर लिमिटरी कलर, ये आ गया। अब इसके जो है सेचुरेशन को हम कर देंगे डाउन, तो आप देख सकते हो साइडों से देखोगे कि यहाँ पे जो है, ये देखिए
ध्यान देना कि इसमें गलती क्या हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं लुमिनेटरी कलर जो है अप्लाई हो गया, मैं इसको करता हूँ डिलीट। मेरे को नीचे वाले पे लुमिनेटरी कलर करने हैं, तो नीचे वाले को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्टर को डाउन करूँगा तो यहाँ पे देखोगे कि पीछे की तरफ इसका जो वीडियो है ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं इसको इतने पर रख लेता हूँ। अब मैं अपने वाला खुद के ऊपर बनाया हुआ जो लेआउट है इसके ऊपर में मैं काम करूँगा। तो ये हमारा दो चीज़ आ गया। अब मैं क्योंकि देखो इस पे देखोगे इसका बैकग्राउंड ना बहुत फास्ट चल रहा है, मुझे इसको स्लो करना है। तो कंट्रोल और आर के बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं डाल दूंगा जी 50%। और यहाँ ध्यान रखना है फ्रेम सैम्पलिंग नहीं करना है, यहाँ से ऑप्टिकल फ्लो। अभी इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं इस पर डालूंगा ब्लर, यहाँ मिल जाएगा गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर डालेंगे। ये देखो जब हम ब्लर डाल रहे तो साइड से ना इस मतलब कि गोल आकार में बन रहा है, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो यहाँ से हटा देंगे इसको। ये लेकर रिफिट एज पिक्चर्स, इसको हम हटा देंगे। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे मर्जी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो अभी हमने ये बना लिया जी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं और भी इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ, तो उससे पहले जो है मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाना पड़ेगा। टेक्स्ट फाइल लिया, ये वाला जो टूल है टेक्स्ट वाला ये पकड़े और यहाँ पे जो है हैप्पी वेडिंग लिख देते हैं। हैप्पी वेडिंग लिख दिया और इसको अपने हिसाब से जहाँ मुझे सहूलियत लगा वहाँ रख दिया इसको। फिर से यहाँ से मैं पेन टूल पकड़ा, कुछ इस प्रकार से सेलेक्टर के यहाँ तक जो है सेलेक्टर के शिफ्ट के बटन दबा कर रखेंगे सीधा लकीर के लिए क्लिक मार देंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का बन के आ गया। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, मैं चाहता हूँ कि पहले हमारा बैकग्राउंड चले दो चार फ्रेम, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर हम डिजॉल्व लगाएंगे कुछ डिप टू ब्लैक, डिप टू वाइट, ये लाएंगे पकड़ के छोड़ दिया, इस पर भी छोड़ दिया, सॉरी कंट्रोल जेड। ऊपर वाला जो फुटेज है इसके ऊपर में हम डालेंगे जी क्रॉस डिजॉल्व, इस पर डाल दिया क्रॉस डिजॉल्व। तो हम थोड़ा सा ट्रैक को जूम करके देखेंगे ताकि हमारे को समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो अपने हिसाब से इतना इतना तक ठीक था। ध्यान से सुने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। सही है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है पूरा बन गया, ठीक है दोस्तों। कोई ड्रिल मशीन चला रहा है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ कोई लेबर वगैरह काम कर रहा है पीछे किसी दूसरे के यहाँ पे, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जिसके वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यार आवाज़ में।
यहाँ से जो है स्केल टू फ्रेम साइज कर लेंगे, और ये वाला जो वीडियो जो है बॉय गर्ल कपल का इस पेपर ला के छोड़ देंगे। यहाँ पे की लिखेंगे, की इस पे जाएंगे अल्ट्रा की उठा के छोड़ेंगे जी इस पे, इफेक्ट पैनल पे चलेंगे और यहाँ से की लेयर ड्रॉप आई ड्रॉपर टूल लेंगे, क्लिक मार देंगे ये हट जाएगा। इसको थोड़ा सा जो है सेटिंग करेंगे, थोड़ा सा सेटिंग करेंगे जी, इसको थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे और थोड़ा ट्रैक को अपने को जूम करना पड़ेगा इसमें, थोड़ा आवाज़ पीछे से नहीं आ रहा है तो मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ तक मार्कर लगा लिया, तो इस वाले को जो है थोड़ा सा डाउन करेंगे, लगभग लगभग इतने थोड़ा और छोटा करेंगे और इसका पोजीशन चेंज करेंगे, इसका पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से मैच नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ से जो है पोजीशन को करेंगे जी चेक, स्केल को चेक, अगर हमारे को बाद में स्केल वगैरह करना हो तो। अब जाके चल देखते जाएंगे यहाँ तक, तो ये पोजीशन को यहाँ तक छोड़ देंगे लाके। ये देखिए ये सेम ये वाला फ्रेम के साथ में ही ये चलता जाएगा की फ्रेम, तो ये प्रीमियर प्रो में ही कर सकते हो, इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें कि आप ये कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, दोस्तों वीडियो तो मैं बहुत लंबा बनाता लेकिन पीछे में काम चल रहा है, ड्रिल मशीन वगैरह लोग यूज कर रहे हैं जिसके वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो फिर भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब ये ड्रॉप जोन की जो वीडियोज है सिंपल इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये वाला वीडियो डिलीट कर दीजिए, यही वाला वीडियो लाइए इसमें छोड़ दीजिए, इसके टेम्पलेट में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों ध्यान से सुने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं।